students, welcome to Radio Fly with Nancy Gupta. We are studying chapter number 1 of history, that is the rise of nationalism in Europe, class 10th. Hum the age of revolutions pe, yani ki shuru nahi kiya tha, but revolutionaries, krantikari aur uski bhavna shuru ho chuki thi. To ab 1830 se 48 tak, yani ki 18 saal lagatar aise log bar bar conservatives aur purani soch ke khilaf ladte rahe. That is, इसीलिए हम 30 से 48 तक के पीरियड को एज ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, वरना क्वेश्चन है पूछ लेते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन, तो 18 से 30 से 48 तक एज ऑफ रेवोल्यूशन रहा, 18 साल का पीरियड रहा लगभग. अब इस दौरान किसी एक आदमी ने, जिस आदमी को आप जानते हैं, ठीक है, एक बहुत बढ़िया बात कही, और वो बात थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड. इस लाइन का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है इस लाइन का क्या मतलब है. ठीक, इसका मतलब है कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी लग जाती है, यानी कि फ्रांस कुछ भी करे उसकी वो बात सब लोग तक फैलती है और धीरे धीरे सारे लोग वो करना शुरू कर देते हैं. ये इस लाइन का मतलब है. और ये लाइन किसने कही है पता है? वो ऑस्ट्रेलियन चांसलर है, बताइए कौन है? याद आया, ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. यस, तो ये कहा गया है, सेड बाई ड्यूक मेटरनिक. ओके, मैं ड्यूक लिख दे रही हूँ, मेटरनिक नहीं लिख रही हूँ, आपको पता तो चल ही गया है भाई, सेड बाई ड्यूक मेटरनिक, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा इसको. अब बात करते हैं, यहाँ पे हम बच्चों जो आज का एजेंडा है ना इस रेवोल्यूशन का, वो हम पढ़ रहे हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ने वाले हैं. ग्रीस को कैसे आजादी मिली, पिछले लेक्चर में आपने देखा इटली को कैसे आजादी मिली, गैट्सबी मजीने की वजह से मिली. तो गैट्सबी मजीने कब पैदा हुए थे वैसे, सोचो, याद आया? नहीं आया. गैट्सबी मजीने पैदा हुए थे 1804 में, 1807 में, 1804 तो सिविल कोड का था, 1807 में आपके गैट्सबी मजीने बॉर्न हुए थे. ओके, तो बच्चों आपने ये पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वीना में कि बर्बन डायनेस्टी, वो बर्बन का बिस्किट आपका, वो वापस ले आए थे कंजर्वेटिव्स. सबसे पहले लोगों ने उसी बर्बन के बिस्किट को उड़ा के फेंक दिया. ठीक है, तो जुलाई 1830 में वो जो आपका बर्बन का बिस्किट था उसको लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने, यानी कि क्रांतिकारियों ने वापस ओवरथ्रो कर दिया. फिर दूसरी बात क्या की, याद करो बेल्जियम और नीदरलैंड को मिला दिया गया था, एक जिम्मेदारी दी गई थी बॉडीगार्ड बनाने के बाद. अब दोनों ने तय किया हम साथ में नहीं रह सकते, बेल्जियम अलग रहेगा, नीदरलैंड अलग रहेगा. तो बेल्जियम और नीदरलैंड अलग अलग हो गए, क्रॉस बता रहा है दोनों अलग अलग हो गए. ठीक है, डिवाइड हो गए, दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए. अब पढ़ते हैं, अब एम्फसिस करेंगे हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे. तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि ग्रीस में शुरू हुआ था. देखो बच्चों, 15th सेंचुरी से, 15वीं शताब्दी से ग्रीस में चल रही थी ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत. ऑटोमन एम्पायर के बिल्कुल अलग तौर तरीके थे क्योंकि वो एम्पायर थी पूरी मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम एम्पायर थी, तो उनका तौर तरीका जाहिर सी बात अलग होगा. लोगों को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं आया, लोग चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर हमें छोड़ दे, किसी भी करके हम हमारा इससे पीछा छूट जाए. तो लोगों ने लड़े, फाइनली 1821 में इस ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ रेवोल्यूशन हुआ. बहुत लंबी चली ऑटोमन एम्पायर, बहुत लंबी, ठीक है, लोगों ने हिम्मत दिखाई और 1821 में रिवोल्ट किया. रिवोल्ट करते वक्त इसमें सबसे बड़ी मदद रही है पोएट और आर्टिस्ट की, लोगों ने कविताएं लिखी, गाने गाए, डांस किया, और ये सब कर करके पता है क्या दिखाया, फ्लोक सॉन्ग्स किए, और ये सब कर करके लोगों को ये दिखाया कि आप ऑटोमन एम्पायर का नहीं, आप पूरे यूरोपियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है, जो पूरे यूरोप में चलता है वही यहाँ चलेगा, हम ऑटोमन एम्पायर को बर्दाश्त नहीं करेंगे. प्रेजेंटेशंस दिया, कहानी, कविताएं, ठीक है, बहुत कुछ किया. कविता एक बहुत अच्छा सोर्स होता है अपनी बात को रखने का, और ये बात आप जानते हैं, मेरा एक और चैनल है विंग्स डेयर टू फ्लाई, वहाँ यही कोशिश है मेरी भी कि भाई लोगों को जो सही बातें हैं वो खूबसूरत पंक्तियों से समझाई जा सके. ऐसे ही इन्होंने किया, ये भी अपनी बात को पोएट्री के थ्रू, आर्टिस्टिक के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे थे. ओके, अब यहीं तक बात जो है वो रुकती नहीं है, लोगों ने बहुत कोशिश की और वो जीत गए, ठीक है, पर जीते एक आदमी की वजह से जो कि फिर से पोएट था, पर इंग्लिश पोएट था, हिंदी पोएट नहीं था मेरी तरह, तो इंग्लिश पोएट था और उसका नाम था लॉर्ड बायरन. ठीक, लॉर्ड बायरन ने देखे, वो जानते थे लड़ाई का मतलब हथियार, सेना, ट्रेनिंग, खाना पीना, मेडिकल फैसिलिटी, यानी कि खर्चा, पैसा, पैसा चाहिए, अब अभी लड़ लो ऑटोमन एम्पायर के राजा से, अभी लड़ लो, अभी जीत जाओगे, लेकिन उसके लिए फंड चाहिए. तो इन्होंने बड़ी समझदारी से काम किया और बहुत साल तक ये बेचारे फंड इकट्ठा करते रहे वॉर के लिए,
और ये वॉर में मर गए थे वॉर में 1824 में, ठीक, बेचारे डाई हो गए। और इनकी मौत, लेकिन इनकी जो वीर गति कहूं मैं, ये बेकार नहीं गई। फाइनली एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, अगेन वन मार्क क्वेश्चन आ गया, कौन सी ट्रीटी की वजह से ग्रीस को आजादी मिली थी, वन मार्क क्वेश्चन है ये। वन मार्क क्वेश्चन की कोई सतह नहीं होती है बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हैं वन मार्क क्वेश्चन का क्या है, छोड़ दो, वन मार्क क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, कहाँ से आता है एग्जाम में पता नहीं चलता, तो यहाँ मैं बताती जा रही हूँ, नोट करते जाओ, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में फाइनली ग्रीस को इस ट्रीटी ने आजाद डिक्लेयर कर दिया। वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा नहीं थी, वो अपनी यूरोपियन सिविलाइजेशन की ही एक यूनिट थी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 हैज डिक्लेयर्ड ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन। और इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हम याद करते हैं, एक इंग्लिश पोएट का, उनका नाम है लॉर्ड बायरन, जो कि मर गए थे 1832 में। पर याद क्यों करते हैं, क्योंकि वॉर का जो खर्चा था, जो फंड था, वो सब इन बेचारों ने अकेले मेहनत करके कमाया था, ठीक है। और याद रखेंगे हम कि कौन सी एम्पायर चल रही थी ग्रीस में, ऑटोमन एम्पायर चल रही थी। लड़ना कब शुरू किया, 1821 से शुरू किया, ठीक। पोएट और आर्टिस्ट का क्या रोल था, भाई उन्होंने यूरोपियन सिविलाइजेशन को लोड किया अपने ग्रीस में। एक बात और बच्चों, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, आजाद हुए 32 में, लड़ना शुरू किया था 21 में, देखो जरा 11 साल तक लड़ते रहे बेचारे, 11 साल तक लड़ने के बाद उनको आजादी मिली। तो कोई भी संघर्ष हिस्ट्री में हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक दिन का, दो दिन का, 18 दिन का, महाभारत भी 18 दिन में हुई थी, पर ये महाभारत नहीं थी, उससे भी बड़ी थी। 11 साल तक जो चले और बिना रुके, लोगों के दिल में वो भावना रहे, नेशनल सेंटिमेंट रहे, कोई छोटी बात नहीं है, इसको पढ़ना, इसको जानना जरूरी है, ताकि आप लोग ये समझें कि कोई भी सही काम, अच्छी बात करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, 99 नंबर लाने के लिए भी बोर्ड में लड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए और स्टे ट्यून्ड, लेक्चर्स आ रहे, देखते रहिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट इन।